हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। मैंने कुछ इंडोर प्लांट की ख़रीदारी अभी जल्दी की थी और उनके साथ ही मैंने इस जीजी प्लांट को लिया था और उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। जल्दी जल्दी में मैंने इस प्लांट को ख़रीद लिया और इसके राइजोम्स जो हैं ख़राब हो रहे हैं, उनमें गलन शुरू हो गई है। और जब मैंने लिया था तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और सारी पत्तियाँ इसकी ग्रीन थी, लेकिन इस समय देखिए नीचे की सारी पत्तियाँ इसकी पीली पड़ रही हैं। जब भी हम इस तरह के महंगे पौधे ख़रीदें तो हमको ध्यान देना चाहिए। और ये देखिए, पहले से ही ये राइजोम इसका ख़राब हो रखा है। ऊपरी हिस्से में ही ये दिख रहा था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी इस पौधे को ले लिया। थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो ये ख़राब पौधा मैं ना लेती। इस प्लांट की पत्तियाँ बिल्कुल डार्क ग्रीन होती हैं और यहाँ देखिए सभी पत्तियाँ नीचे की पीली दिख रही हैं। ये पौधा इन पौधों की पत्तियां ये दिखा देती हैं कि पौधे में पानी ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है। अगर इस तरह का होता है तो सारी पत्तियां इसकी पीली होने लगती हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारा प्लांट हेल्दी नहीं है। और इस पौधे की मिट्टी बनाते समय हम लोगों को इसमें कोकोपीट का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन नर्सरी वाले ने देखिए इसमें कोकोपीट भी मिलाया है और राइस हस्क भी मिलाया है, जिससे पानी की कमी इनमें ना हो। जल्दी जल्दी ये पौधे सूखे ना, अपनी सुविधा के हिसाब से काम किया है और इसीलिए ये पौधे इतने जल्दी ख़राब हुए हैं। और इन पौधों में नीचे राइजोम्स होते हैं जिसमें ये पानी को स्टोर रखते हैं, लगभग जिस तरह से सकुलेंट प्लांट अपनी टहनियों में पानी और जड़ों में पानी स्टोर रखते हैं, वैसे ये भी पानी स्टोर रखते हैं। तो हमको इन्हें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। और इन्होंने लाल मिट्टी का यूज़ किया था तो इस वजह से ये पानी ज़्यादा देर तक इसमें रुका रहा और राइजोम्स ख़राब हो गए। और लेते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये देखिए शायद ये पौधा अब चले या ना चले। मैं सबको अलग अलग लगा दूँगी और जो भी टहनियाँ इसकी टूटी हैं या पत्ते टूटे हैं उनकी कटिंग भी मैं लगा लूँगी। मैं इनको लगाने के लिए मिट्टी का पॉट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें पानी बहुत देर तक रुकता नहीं है, मॉइस्चर नहीं ज़्यादा देर तक रहता है। और सबसे पहले मैं इन पौधों को धुल ले रही हूँ, जितने भी राइजोम हैं उनको अच्छी तरीके से साफ पानी में धुल लेने के बाद दोबारा मैं फिर धुलूँगी और उसमें फंजिसाइड डाल के धुलूँगी, जिससे पौधे के और ख़राब होने के चांस कम हो जाए। एक बार ये पौधा अगर चल जाता है या हमारे गार्डन में अच्छी तरीके से सेट हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा हमको इसकी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, ये पौधा आराम से चलता रहता है। और यहाँ देखिए मैंने फंजिसाइड डाल के दोबारा इसको धुल लिया है अच्छी तरीके से और इसमें मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मिट्टी तैयार कर लेंगे। और मिट्टी तैयार करने के लिए मैंने देखिए सेंड ज़्यादा लिया है, 50% सेंड है इसमें और 50% मिट्टी है, और थोड़ा सा मैंने फंजिसाइड डाला है और कंपोस्ट बिल्कुल नहीं लिया है क्योंकि अभी पौधों की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। एक बार जब पौधे अच्छे से चल जाएंगे तो दोबारा जब मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगी तो उस समय उनमें मैं कंपोस्ट मिलाऊंगी। अभी सिर्फ मिट्टी और रेत है और उसी में मैं इन पौधों को, इनके ख़राब हो रहे हैं उनको कट करके निकाल देंगे पहले। जितना भी गलन वाला एरिया है, ज़्यादा जहाँ से ख़राब हुआ है, जब तक कि पूरा ये वाइड ना दिखने लगे बल, तब तक उतना हिस्सा काट के हमको निकाल देना है और उसके बाद पूरा फंजिसाइड लगा के कवर कर देंगे, जिससे ये पौधा और ना ख़राब हो, और मिट्टी में हम इसको लगा देंगे। और मेरे पास जितने भी अलग अलग बल्ब हैं या पौधे तैयार हुए हैं उनको अलग अलग पॉट में ही लगाऊंगी, एक साथ नहीं लगाऊंगी, शायद उसमें से कोई एक पौधा बच जाए और मेरे पास ये जीजी प्लांट बच जाए। तो इस तरह से मैं सभी राइजोम से गला हुआ हिस्सा कट कर दे रही हूँ और उस पर फंजिसाइड लगा के सबको लगा दे रही हूँ। इस पौधे को इंडोर हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपने बेडरूम के किसी भी कोने में भी रख सकते हैं। बस इसको हफ्ते में एक बार खुली हवा में हम रख दें जहाँ इसको सनलाइट थोड़ी सी और ताज़ी हवा मिल जाए, तो ये पौधा आराम से चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।